रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। एक जेसीबी मशीन लगातार रोड कंस्ट्रक्ट करने के काम में लगी होती है, लेकिन उससे पहले उसे खुदाई करनी होती है, वो खुदाई में लगी होती है। तभी अचानक बहुत सारे बंदरों की फौज आ जाती है और जेसीबी मशीन को घेर लेती है। अचानक जेसीबी मशीन भी खराब हो जाती है। आखिर क्या था ऐसा कि वो बंदर रोकना चाहते थे जेसीबी मशीन को? कैसे खराब हो गई जेसीबी मशीन अचानक काम करते हुए? इस किस्से के पीछे की सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और जब जान लेंगे तो आपके दिल में करुणा जाग उठेगी, आपके दिल में एक अलग ही भाव आ जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूं तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म को सबसे पुराना और सबसे पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय हो या वानर, हर किसी को आराध्य देव के साथ जोड़कर पूजा जाता है। जहां गाय को गौ माता माना जाता है, वहीं बंदरों को हनुमान के वंश का माना जाता है और उनकी सेना से जोड़ा जाता है, यानी कि वानर सेना से। भारत देश में तो आप सब ने देखा ही होगा, लेकिन आज जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो कहीं और की नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की सरजमी पर घटी है। जी हाँ, इस घटना के घटने के बाद सभी पाकिस्तानियों ने भगवान हनुमान और उनकी वानर सेना का लोहा मान लिया है। चलिए जानते हैं आखिर ये किस्सा क्या है। दरअसल हुआ ये कि कुछ दिन पहले एक रोड का काम चल रहा था। ऐसे में पाकिस्तान के प्रशासन द्वारा रोड पर कार्य के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई थी। कुछ घंटों की मशक्कत करते हुए उन्होंने रोड का कार्य तो किया, लेकिन अचानक से वो जेसीबी मशीन खराब हो गई। उसके बाद दोबारा टेक्निकल एरर के चलते एक और जेसीबी मशीन लगाई गई, लेकिन अचानक आसपास के पेड़ों में बहुत हलचल देखने को मिली। जब लोगों ने उन पेड़ों को गौर से देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि हजारों की संख्या में बंदर आ गए थे, वानर आ गए थे, जो लगातार पेड़ों को झंझोर रहे थे, और उनमें से कुछ वानर विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वह कुछ कहना चाह रहे हैं। और जब लगातार यह सुनने के बावजूद भी जेसीबी मशीन का काम चलता रहा, तो ऐसे में बहुत सारे वानर नीचे उतरकर उस जेसीबी मशीन पर हमला करने लगे। रोड कंस्ट्रक्शन करने वाला पूरा प्रशासन डर गया, क्योंकि वो वानर सौ की गिनती में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में थे और उस जेसीबी मशीन पर हमला कर रहे थे, लगातार उस कार्य को रोकने का प्रयास कर रहे थे। जब प्रशासन के अधिकारी पूरी तरीके से हताश हो गए, तो इनमें से कुछ ने वन्य जीव संरक्षण के लोगों को बुलाया और उन बंदरों को वहां से दूर भगाने का प्रयास किया। वन्य विभाग के द्वारा कई बार हवा में फायरिंग की गई, ऐसे में वानर भागे नहीं बल्कि आसपास के पेड़ों में जाकर वापस बैठ गए। और यही नहीं, उन बंदरों की आवाज में कर्कशता और बढ़ गई। ऐसे में जेसीबी मशीन रोड के पास स्थित एक खंडहर के पास जा पहुंची और उसे तोड़ने का प्रयास करने लगी। वो जेसीबी मशीन लगातार कार्य कर रही थी, ऐसे में उन्होंने जैसे ही खंडहर को कुछ भी मीटर खोदा, उसके पास की दीवार गिराई। बंदरों की आवाज और ज्यादा भयानक हो गई और वो आसपास की दुकानों में उत्पात मचाने लगे। ऐसे में सभी लोग परेशान होने लगे। ऐसे में सिर्फ प्रशासन के अधिकारी नहीं बल्कि वन्य जीव संरक्षण के अधिकारियों के साथ आसपास के गांव वाले भी बेहद परेशान हो गए। आखिर क्यों इन वानरों द्वारा लगातार ये किया जा रहा था, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही थी कि ऐसे हरकतें वानर कैसे कर सकते हैं भला, और क्या है इसके पीछे का कारण, क्योंकि आज से पहले कभी उन्होंने ये सब होते हुए नहीं देखा था। ऐसे में जेसीबी का कार्य लगातार चलता रहा, लेकिन अचानक जेसीबी मशीन में आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मालूम वो जमीन के अंदर खुदाई कर रही है, वहां कुछ बहुमूल्य चीज है जिससे जेसीबी मशीन पूरी तरीके से टकरा रही है और कुछ अलग ही आवाजें आ रही हैं। ऐसे में अचानक सभी वानर शांत हो गए और कुछ वानर सीधे तौर पर पेड़ से उतरकर रोड पर आ गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई है जो उन्हें दर्शन देने के लिए आने वाला है। ऐसे में अचानक से जेसीबी मशीन के चालक ने जेसीबी मशीन को बंद कर दिया और उतरकर जमीन का जायजा लेने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि आखिर धरती के अंदर क्या है जो जमीन वह खोद रहा था, उसके अंदर का नजारा देखकर जेसीबी चालक और उसके साथ जितने भी प्रशासन के अधिकारी खड़े थे, जितने भी वन्य जीव संरक्षण के अधिकारी खड़े थे, आसपास के गांव वाले थे, सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उस जमीन के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिला जो कभी किसी ने नहीं देखा था। वहां मिली हजारों साल पुरानी पड़ी हुई हनुमान जी की प्रतिमा, जो कि अत्यंत प्राचीन थी, साथ ही साथ वह कांसे की बनी हुई थी। ऐसे में सबकी जिज्ञासा और बढ़ गई। सभी समझ गए कि ये वानर आखिर क्यों शोर मचा रहे थे। आखिर ये वानर जो थे वो वानर सेना थी, आसपास के ग्रामीणों को बार बार ये तंग कर रहे थे, इसलिए ही तंग कर रहे थे। जब प्रशासन के अधिकारियों ने उस मूर्ति को देखा तो वो समझ गए कि पास में ये खंडहर जो दिखाई दे रहा है वो हनुमान जी का मंदिर ही है, जिसे खुदाई की रुकावट बने हुए थे ये वानर, वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी का ऐतिहासिक मंदिर था। उसके आसपास जब खुदाई की गई तो कई बहुमूल्य मूर्तियां और कलाकृतियां सामने आई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस खोज से मंदिर के निर्माण काल का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। दरअसल ये घटना कराची के पुराने सोल्जर बाजार इलाके की है, जहां उन्हें श्री पंचमुखी हनुमान के
दर्शन करने का अवसर मिला। हनुमान जी की मूर्ति के साथ 8-9 अलग अलग मूर्तियां भी मिली, जिसमें अलग अलग मूर्तियां थी, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति, शेर वाली मूर्तियां और मिट्टी के बने बर्तन भी थे। लेकिन जो घटना घटी, यानी कि लगातार वानरों द्वारा कई बार आक्रोश प्रकट किया गया और आसपास के लोगों को परेशान किया गया और रोड की खुदाई के दौरान कई बार वानरों द्वारा लोगों को परेशान किया गया, ये दर्शाता है कि वह किसी और का नहीं बल्कि स्वयं अपने आराध्य देव हनुमान जी का इंतजार कर रहे थे और वह ये नहीं चाहते थे कि कोई भी हनुमान जी की मूर्ति या उनके आसपास पड़ी हुई बहुमूल्य चीजों को नष्ट करे। ऐसे में साफ दर्शाता है कि हनुमान जी आज भी अजर अमर हैं, साथ ही साथ अपनी वानर सेना का ख्याल भी रखते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के रोड में हो रही खुदाई के दौरान भी ये घटना घटी। अगर आप भी सच्चे हनुमान भक्त हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके देश भर में फैलाएं, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।